नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट में दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने निमेटोलॉजी में क्या पढ़ा था मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ नेमाटोड से मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी मोरफोलॉजी मीन्स क्या होता है और एनाटॉमी मीन्स क्या होता है ठीक है तो मोर्फोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फीचर एक्सटर्नल एक्सटर्नल फीचर ऑफ द नेमाटोड या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द नेमाटोड जो बाहर से दिखने में कैसा लगता है और एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं एनाटॉमी में डिफरेंट डिफरेंट उसका सिस्टम पढ़ते हैं जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्क्रेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम जितने भी सिस्टम में पाए जाते हैं जितने भी फंक्शन पाए जाते हैं वो सब हम लोग किस में स्टडी करते हैं एनाटॉमी में ठीक है तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो मॉर्फोलॉजी का पार्ट कंप्लीट कर दिया था आज हम लोग कवर करेंगे एनाटॉमी का पार्ट है तो एनाटॉमी में सबसे पहला हम लोग लेंगे सा? Reproductive system. कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है हम लोग लेंगे कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें क्या होता है First point हम लोग कैसा होता है डायोसियस डायोसियस है? है. का मतलब क्या होता है टर्मिनोलॉजी का अगर डायोसियस का डिफिनेशन पूछा जाएगा कि डायोसियस क्या होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो सेपरेट सेपरेट मिलता है मीन्स डिफरेंट नंबर में मिलता है जैसे अगर एक नंबर है ए है एक नंबर ए है और एक नंबर ए है अब इसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है या फिर इसमें दोनों फीमेल फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे या फिर इसमें भी फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलेंगे कैसा होता है इज देयर कंडीशन दैट प्रेजेंट इन सेन नेमोटोडलीप्रोडक्टिव आर प्रेजेंट है एंड इन अनदर नेमोटोड्स ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव आर प्रजेंट्स मीन्स मेलोटोड्स आर सिंगल इंडिविजुअल एंड फीमेलोड्स आर सिंगल इंडिविजुअल ओके सो so, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस नेमोटोर्स इज मेल नेमोटोट्स एंड दिस नेमोटोट इज फीमेल नेमोटोर ओके सो दोस्तों मेल नेमोटोट जो होता है वो जनरली क्या होता है शॉर्टर इन लेंथ होता है कैसा होता है जनरली शॉर्टर इन लेंथ होता है मेल नेमोटोट जो होता है जनरली छोटा होता है और फीमेल नेमोटोट जो होता है वो मेल नेमोटोट के कंपेयर में बड़ा होता है ठीक है तो हम लोग सिंगल नहीं बता सकते हैं जब हम लोग दो नेमाटोड को कंपेयर करेंगे तो दोनों नेमाटोड हमको चाहिए सामने चाहिए। जब हम लोग एक्सटर्नली अगर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे देख कर तो हम लोग क्या चाहिए कि नेमाटोड दोनों प्रेजेंट होना चाहिए ताकि हम पता लगा सके कि मेल नेमाटोड है कि फीमेल नेमाटोड है नहीं तो फिर हम लोग इसको कैसे पता कर सकते हैं डिसेक्शन मेथड से मेल डिमोड के अगर डिसेक्शन में जब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसेक्शन करेंगे तो उसमें अगर टेस्टिस मिलता है तो क्या होगा टेस्टिस मिलेगा तो मेल होगा और ओवरी मिलेगा तो क्या होगा फीमेल होगा ठीक है अब उसके बाद क्या होता है कि प्लांट पैरसिटी हम लोग प्लांट प्लांटिटी पी पीपीएन के बारे में बात करेंगे तो उसमें से क्या होता है कि डिफरेंस जो होता है जनरली वो बॉडी शेप में एक्सीबिट नहीं करता है दोनों एक जैसा दिखता है बट बट कुछ नेमाटोन में उस सेक्सुअल डायमोरफिन पाया गया है मतलब कुछ कुछ नेमोटोन में हम लोग इसको डिफ्रेंसीट कर सकते हैं ठीक है अब मेल एंड फीमेल नेमोटोन जो होता है वो कैसा होता है भर्मी फॉर्म होता है भर्मी फॉर्म होता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है मेल एंड फीमेल नेमाटोट जो होता है वो भर्मी फॉर्म होता है ओके उसके बाद सेक्सुअल डायमोर्फिज्म सेक्सुअल डायमोर्फिज्म किसमें किसमें मिलता है तो मेलिडोगेन में मिलता है हेटरोडेरा में मिलता है ग्लोबोडेरा में मिलता है रोटाइलेंकस रोटाइलेंकुलस में मिलता है टाइलेंकुलस में मिलता है एंड नाइकोबस स्पेसी में मिलता है ओके दोस्तों आप हमारा क्वेश्चन ये है कि आप सभी लोग ये सभी नेमाटोड का ये साइंटिफिक नेम दिया हुआ है साइंटिफिक नेम जीनस का दिया हुआ है इसमें ये आप लोग हमें क्या बताएंगे इसका कॉमन नेम बताएंगे जैसे को क्या बोलते हैं को क्या बोलते ग्लोबो डेरा को क्या बोलते हैं ठीक है इसका इंग्लिश नेम आप लोग बताएंगे या फिर कॉमन नेम बताएंगे जैसे रूट रूट किसको बोलते हैं मेलिडोगैन को बोलते हैं वैसे बाकी आप लोग आगे का बताएंगे हम एक एग्जाम्पल दे दिए अभी हमने क्या बताया कि फीमेल फीमेलोट जो होता है वो जनरली इन लार्ज होता है जनरली मीन्स बड़ा होता है ठीक है एंड वो डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम सेव करता है सेव जो होता है डिफरेंट डिफरेंट एज्यूम करता है एट अटेनिंग मेच्योरिटी जैसे जैसे मेच्योर होता है नेमोटोड वैसे वैसे फीमेल नेमोटोड जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सेप अटेंड करता है क्यों उसको वैसा फंक्शन मिला हुआ है उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए ऐसा फंक्शन मिला हुआ है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी नीड के अनुसार सेप अटेंड करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो जनरली कैसा होता है टिबुलर होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि फीमेल नेमोटो जो होता है वो छोटा होता है कि बड़ा होता है दोस्तों ह्यूमन में क्या होता है ह्यूमन में फीमेल छोटा होती है होती है और मेल जो होता है जनरली हाइट उसका लंबा होता है एज कंपेयर टू वाइफ हस्बैंड इज मोर टॉलर देन वाइफ है हस्बैंड जो होता है वो अपने वाइफ से हम इन जनरल टॉलर होता है लंबा होता है ठीक है बट नेमाटोड के केस में इसके जस्ट उल्टा है नेमाटोड में फीमेल जो होती है वो लंबी होती है और मेल जो होता है वो छोटा होता है फीमेल्स आर टॉलर देन मेल हम लोग इसको ट्रिक बना के जा सकते हैं ठीक है अब मेल वर्सेस फीमेल मेल नेमाटोड और फीमेल नेमाटोड को पहचानने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है जैसे हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि मेल जो होता है वो शॉर्टर होता है ठीक है टेल इंड जो होता है वो वेंट्रली कर्व्ड होता है किसमें टेल एंड जो होता है वेंट्रली कर्व होता है किसमें तो ये होता है किसमें मेल नेमोटोर में ठीक है टेल एंड जो होता होता है है वो वेंट्रली कर्व उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है वो, वो कौन रखता है तो मेल नेमोटोर यहाँ पे जितने भी पॉइंट मेंशन है वो सभी किसके बारे में है मेल नेमोटोर के बारे में तो मेल नेमोटोर जो होता है वो छोटा होता है टेल एंड जो होता है वो वेंट्रली कर्व होता है एंड सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी मिलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन भी मिलते हैं एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन भी मिलते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ से आप लोग हमें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डिफिनेशन बताएंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन है मेल में कौन कौन सा होता है और फीमेल में कौन कौन सा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है अब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में जैसे हमने ह्यूमन के बारे में पूछा है

क्योंकि ओवरी से ही क्या होता है एक वगैरह का ये होता है ठीक है पेन दिखाई नहीं दे रहा है पेन किधर चला गया है हाँ यहाँ पे है ठीक है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट क्या होता है ओवरी ओवरी में दो जोन मिलते हैं कौन कौन सा जर्मिनल जोन एंड ग्रोथ जोन है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कि जर्मिनल जोन और ग्रोथ जोन तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ कुछ लेगा कि प्रोडक्शन ऑफ उगोनिया

प्रोडक्शन ऑफ इन साइज इन साइज ग्रोथ जोन अब ग्रोथ है वर्ड ऑलरेडी ग्रोथ मीन्स क्या होता है बढ़ना और इंक्रीज मीन्स क्या होता है इंक्रीज मीन्स बढ़ना तो साइज में इंक्रीज होना किस में होगा ग्रोथ जोन में तो इसमें तो कोई आप लोग भूल नहीं सकते हैं दोनों आसान वर्ड से पता चल जाएगा उसके बाद क्या होता है ओबीडक होता है आप लोग यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ है टीप है 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 टिप पे ठीक ठीक इसके बाद नीचे आता है ओभी ड़क्ट, ओभी ड़क्ट, ठीक है? वो क्या करता है नैरो पैसेज होता है डक्ट मीन्स क्या होता है डक्ट मीन्स ट्यूब होता है अगर हम लोग बात करते हैं अगर इसको हम लोग क्रॉस करके करेंगे तो ओबी प्लस डक्ट तो डक्ट डींस क्या होता है ट्यूब होता है तो ओवरी से जो पैसेज पास हुआ हुआ है जो ट्यूब पास हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओबीडक्ट है ठीक है, है और वो किसके लिए पास होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ओगोनिया ओगोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है तो ओगोनिया प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा कहीं ना कहीं जाएगा ठीक है जहाँ पे वो स्पर्म से मिल पाएगा तो उसके लिए ट्यूब पास ट्यूब रहता है बनाया हुआ उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं ओबीडक्ट है और नैरो मीन्स क्या होता है उसका थीन मीन्स चौड़ाई कम होती है उसकी तो उगुनिया। उगुनिया को पास होने के लिए एक नैरो हम लोग क्या बोलते हैं है। उसके बाद एस्परमे दोस्तों इस बात से रखेंगे, आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि एस्पर्म तो मेल में मिलता है फिर स्परमेथिका जो होता है फीमेल में क्यों पाया गया है एस्परमेथिका जो नाम दिया गया है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही क्यों दिया गया है स्पर्म तो मेल प्रोड्यूस करता है

जैसे ओबीडक होने हमने बात क्या 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 की ओबीडक्ट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे वो क्या होता है उगोनिया पास होता है तो जैसे जैसे पास होगा एक बार क्या होगा के पास पहुंचेगा जहां पे स्पर्म स्टोर है जैसे ही उगोनिया वहां पे मिलेगा वो क्या करेगा उसको फर्टिलाइज कर देगा वेन उगोनिया पासिस थ्रू द डेज टू दम्स देन इट गेट फर्टिलाइज देयर ओके एंड देन न्यू

डेकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ब्स इन्वॉलमेंट है ओके देन वेजाइना 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 क्या होता है वेजाइना किस काम आता है तो वेजाइना जो होता है वो ओपनिंग होता है नेचुरल ओपनिंग होता है जिसके थ्रू क्या होता है एक बाहर आता है जिसके थ्रू क्या होता है एक बाहर आता है जैसे हम लोग ह्यूमन के केस में क्या करते हैं ह्यूमन के केस में डायरेक्टली यंग वन बाहर आती है या फिर यंगन बाहर आता है या तो लड़का जन्म लेगा या फिर लड़की जन्म लेगी तो ह्यूमन के केस में डायरेक्टली बाहर आता है वो किसके थ्रू गजाइना के थ्रू तो मेल ने, फीमेल फीमेलोड में भी वेजाइना मिलता है जिसके थ्रू क्या होता है एग बाहर आता है मीन्स थ्रू द दर्शन ऑफ एग टेक्स प्लेस है ओके देन नेक्स्ट ऑर्गेनाइज फलवा आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है हमारा वेजाइना है और ए पोर्शन जो है ए पोर्शन जो है वो क्या है भलवा है ठीक है और ए पोर्शन जो है वो क्या है है तो भलवा का फंक्शन क्या होता है कि पहले तो होता कैसा है तो ये स्लिट लाइक होता है स्लिट लाइक होता है यहाँ पे स्लिट लाइक आप लोग देख सकते हैं इसमें स्लिट लाइक होता है एंड इट हेल्प्स इन एग लेइंग एंड पॉपुलेशन क्या करता है कि यहाँ से स्पर्म जो है यहाँ से ओबिडक्ट से और स्पम जो है यहाँ पे आकर एक मिलेगा स्पर्मेका के पास मिलेगा और यहाँ पे फिर क्या होगा ओबिडक्ट जो है वो स्टोर करेगा ओबिडक्ट यहाँ पे क्या होगा एक का जो होगा वो फॉर्मेशन होगा और एक जो है वो एक जो है वो भजाइना के थ्रू बाहर आएगा तो ये क्या करता है कि एक लेंगे एक लेंग में हेल्प करता है कौन वलवा तो ये इंपॉर्टेंट है एग लेंग कौन हेल्प करता है एग लेंग में कौन हेल्प करता है वल्वा हेल्प इन एग लेंग ओके उसके बाद एक होता है वल्वल फ्लैप है। वल्वल फ्लैप क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है एक ओपनिंग होती है जो कि ट्रांसफर से ट्रांसफर स्लिट पाया जाता है ठीक है और वो कवर जनरली किसी भी चीज से नहीं होता है जैसे फ्लैप मीन क्या होता है जो अप डाउन अप डाउन मूवमेंट करते रहे हमारे इपीग्लॉटिस में मिलता है ठीक है आप हम लोग आप हमें उसका नाम बताएंगे में क्या होता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जब हम लोग स्वेलिंग करते हैं तो उस समय कवर कर लेता है हमारा हम हम को खाना नहीं देने जा, दे, दे, जाने देता है ठीक है बट कभी कभी हम लोग क्या होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं और खा रहे हैं तो बात करने में हमारे घर इपिगलोटिस की मूवमेंट होती है जिसके कारण क्या होता है कि वो इपिग्रोटिस का फ्लैप जो होता है वो कवर नहीं कर पाता है इपिगलोटिस को और उसके अंदर हमको हम लोग हमारे उसके अंदर हम लोग को खाते समय खाने चली जाती है उससे क्या होता है हम लोग को खाने स्वेलिंग में पेन होती है ठीक है तो वही काम वलवल फ्लैप करता है ठीक है वही काम वलवल फ्लैप करता है तो क्या होता है ओपनिंग होता है स्लिट लाइक दैट आर नॉट कवर्ड बाय एनी फ्लैप है बट किसमें ये ध्यान रखना है किसमें ए एजेंडिक एग्लेंकस एंड कोसलेन्कस एग्लेंकस एंड कोसलेन्कस में वाल्व जो होता है वो एक मेम्ब्रेनस फ्लैप से कवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वाल्वल फ्लैप है अगर कवर नहीं किया रहता जो कवर करने वाला मटेरियल होता है उसको हम लोग फ्लैप नाम देते हैं ठीक है थीके? तो कवर नहीं अगर कर रहा है व्हेन इट इज नॉट कवरिंग बाय एनी मटेरियल्स देन नो फ्लैप इज प्रेजेंट बट व्हेन इट इज प्रेजेंट बाय

कोशागलेचस में एक क्यूटिकुलराइज स्कलोटाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि ट्यूब को इंसर्कल करता है ट्यूब को इंसर्कल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ईपी टेगमा ईपी टेगमा जैसे हमारा यहाँ पे क्या है भेजाइना है यहाँ पे भेजाइना है ठीक है यहाँ पे भेजाइना है हमारा अब यहाँ पे भेजाइना होगा तो इसमें क्या करेगा एक स्ट्रक्चर एक एक स्ट्रक्चर इसके इनसाइड में इनसाइड में प्रेजेंट रहेगा लाइक दिए से इनसाइड में प्रेजेंट लाइनिंग क्या रहेगा वो कैसा रहेगा क्यूटिकुलराइज रहेगा ठीक है रहेगा एंड स्कोटाइज रहेगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं ईपी टिग्वा ईपी मीन्स क्या होता है ऊपर इपी मीन्स क्या होता है ऊपर ठीक है तो इस रेजाइना के लेयर के ऊपर प्रेजेंट रहेगा इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको ईपी टैगवा उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन वन क्वेश्चन सियोर यहाँ से यहाँ से वन क्वेश्चन जो है वन क्वेश्चन जो है वो सियोर है इस पोर्सन से वन क्वेश्चन जो है स्योर है टर्मिनोलॉजी से जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मोनोडेल्फिक डायोडेल्फिक मोनोडेल्फिक क्या होता है डायोडेल्फिक कब होता क्या होता है तो जब नेमाटोड में सिंगल ओवरी जब नेमाटोड में सिंगल ओवरी प्रेजेंट रहेगा तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं उसको मोनोडेल्फिक बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं मोनोडेल्फिक वेन देयर इज ओनली वन ओवरी वेन देयर इज सिंगल ओवरी प्रेजेंट इन द नेमाटोड दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोडेल्फिक सिंगल ओवरी प्रेजेंट होने का कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं मोनोडेल्फिक बोलते हैं मोनो मोनोमीन्स क्या होता है वन आप लोग वर्ड से पता कर सकते हैं मोनो मोनोमीन्स क्या होता है मोनोमिस क्या होता है वर्ड होता है क्या होता है सिंगल होता है एक होता है ठीक है और डेल्फी वर्ड जो है वो ओवरी के लिए यूज किया गया है तो जब वेन देयर इज ओनली वन ओवरी वन देर इज सिंगल ओवरी दैट कंडीशन इज नोन इन मोनोडेल्फिक वेन देअ इज सिंगल ओवरी प्रेजेंट इन द दिमाटोड दैट कंडीशन इन द दिमाटोड इन नोनेज मोनोडेल्फिक ठीक है आप लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हैं अगर याद होगा तो बट डिफिनेशन नहीं भूलना है ठीक है

है डी है? बार हम पेन चेंज कर ले रेड में पता नहीं चल रहा है रेड में रेड ठीक है हम ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं तो tract, tract, क्या है? इसका अलग अलग नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ओवरी इसको अलग अलग नाम दिया गया है जैसे प्रोडेल्फिक है प्रोडेल्फिक क्या होता है कंडीशन में एक कंडीशन होती है जब ओवरी जो है हमेशा प्रेजेंट रहेगा कैसे डायरेक्टेड एंटेरियरली कैसा रहेगा जो ओवरी होगा जो ओवरी होगा वो कैसा रहेगा एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट रहेगा मींस एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट रहेगा मींस इस साइड ठीक है, है? एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट रहेगा मींस इस साइड तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडेल्फिक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मोनोडेल्फिक प्रोडेल्फिक दे रखा है ठीक है तो ओवरी जब इस 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 साइड रहेगा आप देखिए डायग्राम में यहाँ पे ओवरी दिखाया हुआ है तो जब ओवरी इस तरफ प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा प्रोडेल्फिक ठीक है मोनोडेल्फिक डेल्फिको डेल्फिक है जब ओवरी जो है सिंगल रहेगा ओवरी जब है सिंगल रहेगा एंड इट इज प्रेजेंट पोस्टेरियरली देन इट इज नोन एज ओपिस्थो ठीक है देन ओवरी इज ंगल एंड इट इज प्रेजेंट पोन मोनोडेल्फिकोडिकार्क करेंगे ये आप लोग जो है इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बाद एम्फी डेल्फिक एम्फी डेल्फिक में क्या होता है एम्फी मीन्स टू होता है ठीक है डेल्फिक मीन्स ओवरी मीन्स टू ओवरी प्रेजेंट रहेगा ठीक है अब टू ओवरी प्रेजेंट रहेगा बट वन इज एंटेरियर एंड अदर इज पोस्टेरिय मीन्स बोथ आर अपोजिट टू इच अदर देन दिस कंडीशन इज नॉनेज एम्फी है एंड आप लोग एग्जाम्पल अगर याद होता है तो याद रखेंगे ठीक है यहाँ पे देख लीजिए डायडेल्फिक एम्फी इस कंडीशन में है एम्फी में डायडेल्फिक प्रोडेल्फिक यहाँ पे जो है क्या है दोनों ओवरी एक साइड प्रेजेंट है ठीक है ये जो है दोनों ओवरी एक साइड प्रेजेंट है तो ये क्या है डायडेल्फिक प्रो देल्फिक है और यहाँ पे डायडेल एक ओवरी यहाँ पे है और एक ओवरी यहाँ पे है तो इस कंडीशन में क्या होता है डायोडेल्फिक एम्फीडेल्फिक है ओके देन डायोडेल्फिक प्रोडेल्फिक है व्हेन टू ओवरी आर प्रेजेंट व्हेन टू ओवरी आर प्रेजेंट बट बट बोथ आर डायरेक्टेड एंटीरियरली एंड वल्वा इज टर्मिनल इन पोजिशन एंड वल्वा इज टर्मिनल इन पोजिशन है मीन्स आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ओवरी जो है वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है ठीक है ओवरी जो होता है दोनों वो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है मीन्स यहाँ पे यहाँ पे दोनों प्रेजेंट रहेगा ठीक है तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं डायोडेल्फिक प्रोडेल्फिक फॉर एग्जाम्पल मिलीडोगैन हेटोडेरा एंड ग्लोबोडेरा ठीक है, -delphic, -delphic है। example, उसके बाद क्या है पॉइंट कि ओवरी जो होता है वो हमेशा पैरासिटिक नेमेटोड में स्ट्रेट नहीं होता है ओवरी इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट इन पैरासिटिक पेरासिटिकोड पीपीएन ठीक है सॉरी इन ओवरी इज ऑलवेज स्ट्रेट इन प्लान प्रोसिडिंग बैक मीन वो कभी मुड़ता नहीं है ठीक है इस ओवरी को उस इस इस ओवरी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं आउट स्ट्रेच ओवरी ठीक है जब नेमाटोड में जब नेमाटोड में ओवरी जो है हमेशा स्ट्रेट रहेगा एंड डज नॉट कर्व बैक कभी वो कर्व में डॉट करता है उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं आउट स्ट्रेच ओवरी बोलते हैं ठीक है ये टर्मिनोलॉजी आप लोग खास करके ध्यान रखेंगे उसके बाद रिफ्लेक्ट ओवरी उसके बाद रिफ्लेक्ट ओवरी का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जनरली जो होता है वो निमोटोट में ओवरी स्ट्रेटिंग होता है बट कुछ निमोटोट में ओवरी जो होता है वो कर् बैक हो गया है उस कंडीशन ऑफ ओवरी को क्या बोलते हैं रिफ्लेक्ट ओवरी एग्जाम्पल इन डोरी लिमिट्स है जनरली इन निम्स ओवरी इज ऑलवेज स्ट्राइट है एंड डज नॉट कर हमेशा पूछा जाता है पूछेगा इनोटो ओवरी इज करजेंट इनोटोर्स रिफ्लेक्ट आंसर क्या देना है डोरी लेमिड निमोटोड ठीक है डोरी लेमिड निमोटोड उसके बाद क्या बोलना है इसके बाद एक टेक्नोलॉजी है होलोजेनिक एंड है होलोजेनिक मीन्स

ई होल होल मीन्स क्या होता है पूरा, पूरा ठीक है और क्या 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 होता 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 है है. है है पूरा means, जब ओवरी जो है, ओवरी का पूरा. पूरा जब जो का करेगा उस condition हम क्या बोलते हैं है. और कुछ पार्ट है, या फिर डिजिटल इंट से प्रोड्यूस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टेरोजेनिक है इंड पोजिशन पे होता है तो वेन ओवरी प्रोड्यूसाइड डिजिटल इंड है देन दिस कंडीशन इज नोन एज टेलोजेनिक है उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या बोले हैं कि नेमाटोड में जो होता है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग मिलते हैं मीन्स मेल नेमाटोड से फाउंड सेपरेटली से से बट इन सम समोड इंटरसेक्स आर इंटर ऑब्जर्व है मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गोनेट की तरफ ही काम करता है

अब male में कौन कौन सा होते हैं? तो आप लोग हमें डायग्राम में देखिए यहाँ पे टेस्टिस है ठीक है उसके बाद वास्ता डिफरेंस है इंटेस्टाइन है, है क्लोका है हमने अभी पढ़ाया कि मेल नेमाटोट वर्सेस फीमेल नेमाटोट में कि मेल नेमाटोट में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है ऑर्गन तो गवर्निकुल प्रेजेंट होता है होता है क्लॉक का प्रेजेंट होता है ठीक है बरसा प्रेजेंट होता है तो ये सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है ठीक है अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन का क्या काम है जैसे पहला हो गया टेस्टिस है टेस्टिस का क्या काम है वो स्पर्म का प्रोड्यूस करना टेस्टिस का क्या काम है स्पर्म का प्रोड्यूस करना ठीक है व्हाट इज द तो फंक्शन ऑफ टेस्टिस टू तो प्रोड्यूस सभी लोग जानते हैं

यहाँ से भाषा डिफरेंस से पास होकर हो आप लोग देखिए यहाँ पे भाषा डिफरेंस से पास होकर ये किससे मिला है इंटेस्टाइन में ये इंटेस्टाइन है यहाँ पे आकर सीधे सीधे इस लाइन में इस पॉइंट पे मिल गया है ठीक है तो ये किससे मिलता है मर्ज मीन्स क्या होता है मिक्स होना विद इंटेस्टाइंस टू फॉर्म क्लोका मीन्स क्लोका कैसे फॉर्म होता है तो भाषा डिफरेंस और इंटेस्टाइन का दोनों को दोनों का ओपनिंग मिलकर क्लोका का फॉर्मेशन होता है क्लोका क्या होता है तो क्लोका जो होता है वो इंटेस्टाइन से ही मिल रहा है मीन्स इंटेस्टाइन का काम क्या है इंटेस्टाइन से फूड पैसेज होता है तो फूड को जब निम फूड लेगा तो उसको डाइजेशन करने के लिए हेल्प करेगा डाइजेशन डाइजेसन भी चाहिए तो डाइजेशन और भाषा डिफरेंस का क्या काम है कि वो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करेगा तो क्लोका जो होता है वो इंटेस्टाइन और भाषा डिफरेंस से मिलकर फॉर्म होता है इसलिए क्या होता है ये

ओपनिंग होता है तो इसका क्या है कॉमन ओपनिंग है किसके लिए बोथ सिस्टम मीन्स कौन कौन सा डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ठीक है उसके बाद स्पीक्योर्स है स्पीक्य क्या होता है कि स्पीकर्स होता है स्कोलोटाइज ऑर्गन एस्कोलोटाइज ऑर्गन होता है जो क्या होता है मूवमेंट में हेल्प करता है क्या होता है स्कोलोटाइज ऑर्गन होता है पेयर में होता है हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि स्पीक्यर्स जो होता है वो पेयर में होता है ठीक है आप लोग यहाँ पे देखिए एक स्पेक्यूल्स से है और एक स्पीक्यूल्स ए है ये पेयर में होता है और ये मूवेबल होता है और मेटिंग ऑर्गन में काम मतलब करता है मेटिंग मेटिंग ऑर्गन में मतलब मेटिंग में हेल्प करता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है गुबर्नेकुलम गुबर्नेकुलम मीन्स क्या होता है कि क्यूटिकुलराइज स्ट्रक्चर होता है जो स्पीक्यूल्स के नीचे मिलता है आप यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान से देखिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे क्या होता है गवर्ने को मिलता है ठीक है वो ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है कि को मेटिंग करते समय किस मूवमेंट किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है ये कौन गेड करता है तो गवर्ने कोलम इसका फंक्शन आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है अब वर्षा है वर्षा क्या काम करता है कि ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है फिलामेंटस स्ट्रक्चर है एक ये स्ट्रक्चर है और एक ए स्ट्रक्चर है ठीक है तो टू एक्सटर्नल फिलामेंटस क्यूटिकुलर एक्सटेंशन होता है ठीक है ये क्या काम करता है तो ये फीमेल को होल्ड करने में काम करता है एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन ये फीमेल को पकड़कर रखने में काम करता है ठीक है आप लोग इसका फंक्शन ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे वर्षा जो होता है वो किसमें मिलता है वर्षा जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है तो इसका आंसर क्या लगाना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वर्ड से क्या लगता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होना चाहिए इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ओके दोस्तों होप आप लोग अच्छे कर रहे होंगे आप लोग एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों मैं मैक्सिमम प्रयास करूंगा कि आप लोग एग्जाम का तैयारी अच्छे से करा दूं ऐसे ही रोज क्लास लेकर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद